नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद और नंबर वन चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं अजय शुक्ल आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने हमें एक रिकॉर्ड ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि सामाजिक सरोकारों को लेकर के हम आपकी आवाज बने, जो हम लगातार बनते आए हैं। आज सामना सवालों का, मैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हरियाणा के मंत्री नायब सैनी। सैनी साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार सैनी साहब। आप इतना अहम महकमा हरियाणा का संभालते हैं, श्रम रोजगार, और सबसे ज्यादा जो समस्याएं हैं हरियाणा में वो श्रम और रोजगार को लेकर के हैं। तमाम दूसरे दल और लोग आरोप लगाते हैं कि आपके राज में, भाजपा के राज में, रोजगार के मामले में हरियाणा बहुत पिछड़ा है और हरियाणा में बेरोजगारी बढ़ी है। क्या सच? बिल्कुल अजय जी, आपने ठीक बात कही है जी। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं जी, पीछे ध्यान करें जी, कि जब देश आजाद हुआ जी, देश आजादी के 70 साल के अंदर भी जी, देश के अंदर इस प्रकार का सिस्टम डेवलप नहीं हो सका जिससे बेरोजगारी के ऊपर काबू पाया जा सके जी। पूर्व की जो सरकारें रही हैं जी, जिन्होंने लंबे समय तक इस देश के ऊपर शासन किया, 55 वर्ष तक एक दल का शासन रहा जी, युवाओं को उन लोगों ने एक वोट बैंक समझ रखा था और उनका वोट के लिए तो इस्तेमाल होता था, परंतु उनके लिए कोई नीति योजना नहीं बनी जिससे कि कहीं ना कहीं वो बेरोजगारी खत्म हो सके। तो आपने क्या किया? बिल्कुल, ये पहली बार है जी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जी, जो मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया जी, और उन्होंने युवाओं के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक की योजना और नौकरियों के अंदर जो ट्रांसपेरेंसी आई है जी, जो सरकारी सेक्टर है, सरकारी सेक्टर के अंदर जी, क्योंकि वहां पर एक लिमिट है जी, उस लिमिट के अंदर रह करके नौकरी जी, दी जाती है जी, और उसके बावजूद जो सरकारी सेक्टर है, सरकारी सेक्टर के बाद भी अलग और सेक्टर हैं जिसके अंदर युवाओं को रोजगार दिया जाता है, इंडस्ट्री, मेक इन इंडिया, प्रधानमंत्री जी ने ये शब्द कहे और उसको लेकर के प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने हरियाणा के अंदर जो इन्वेस्टर मीट बुलाया, जो इंडस्ट्री लिस्ट था, उस इंडस्ट्री लिस्ट को हरियाणा के अंदर बुला करके एक समिट किया और समिट के माध्यम से MOU साइन हुआ और उन्होंने हरियाणा के अंदर इंडस्ट्री लगाई। 100 जो बड़ी इंडस्ट्री है लगभग रनिंग में आ गई। आप कहते हैं 100 बड़ी इंडस्ट्री रनिंग में आ गई है, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं, अभय चौटाला कहते हैं और दूसरे तमाम दलों के लोग कहते हैं कि आपके MOU सिर्फ कागजी रह गए हैं। देखिए, अभी विधानसभा के अंदर ये 70 अभी समाप्त हुआ है, कल ही विधानसभा का 70 समाप्त हुआ है और वहां पर भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, हमारे मंत्री ने पूरा डिटेल के अंदर बात उन लोगों को बताई। वहां पर हमारे INLD के भी प्रत्याशी थे, वहां पर हमारे कांग्रेस के भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा वहां पर बैठे थे, उन सब के सामने पूरी डिटेल के अंदर बात बताई और यहां तक कहा कि अगर किसी को किसी प्रकार की शंका है तो उसको मैं स्थान भी दिखा सकता हूं ले जाकर के, कि वहां जाकर के देख ले भी कहां इंडस्ट्री लग रही है, कहां नहीं लग रही। इन लोगों ने तो, चाहे INLO का शासन जब हरियाणा प्रदेश के अंदर था उस समय के अंदर, तो आप हरियाणा प्रदेश की पूरी जनता जानती है कि इंडस्ट्री के आगे खाई खोदने का काम किया, इंडस्ट्री हरियाणा में लाने का नहीं, उसको उजाड़ने का काम इन लोगों ने किया है। और यही स्थिति, ये स्थिति कांग्रेस की रही है। कांग्रेस के शासन काल के अंदर जो भ्रष्टाचार था, जो लैंड माफिया पनपा था कांग्रेस की सरकार के अंदर, वो लोग का विश्वास, जो पूंजीपति था, अगर कोई इंडस्ट्री लगाना चाहता था, इंडस्ट्री कोई रुचि रखता था कि मैं हरियाणा में इंडस्ट्री लगाऊं, परंतु यहां का जिस प्रकार का वातावरण हरियाणा प्रदेश के अंदर पूर्व की सरकार होने, चाहे कांग्रेस की सरकार रही है, चाहे INLO की सरकार रही है, इन लोगों ने जिस प्रकार का वातावरण हरियाणा प्रदेश के अंदर खड़ा किया, लोगों का विश्वास उठ चुका था कि हम हरियाणा में ना आए। और जब भारतीय जनता पार्टी, मनोहर लाल जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और उन्होंने आमंत्रित किया और ये बात कही कि आप आइए, हम आपको अनुकूल वातावरण देंगे, और उन्होंने वन रूफ सिस्टम HEPC सेंटर का यहीं पंचकुला के अंदर उद्घाटन किया और कहा कि कोई भी व्यक्ति अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करता है एक छत के नीचे, उसको सारी की सारी सुविधाएं। आपकी इस बात से मैं सहमत होता हूं, लेकिन आपने रोजगार कितनों को दिया,
कितनों को खुद सरकारी सेक्टर में नौकरी दी, कितनों को बाहर नौकरी दी, क्या नौकरी मिली या सिर्फ सगुफा है? बिल्कुल अजय जी, आपने ठीक क्वेश्चन किया। ये क्वेश्चन विधानसभा के अंदर हमारी जो कांग्रेस की सीएलपी लीडर है उन्होंने भी ये क्वेश्चन मेरे से किया था और मैंने पूरी डिटेल के अंदर वहां पर भी उनको बताया था। मैंने बताया कि कांग्रेस की जो सरकार रही है, कांग्रेस की सरकार के अंदर जो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर उन्होंने नौकरी दिया, उन्होंने 10 वर्ष के अपने कार्यकाल में मात्र 18,000 युवाओं को नौकरी दिया और उसके बावजूद जो इंडस्ट्री के अंदर रोजगार के कार्यालयों के माध्यम से या इंडस्ट्री के अंदर या किसी और क्षेत्र के अंदर प्राइवेट सेक्टर के अंदर उन्होंने अपने 10 वर्ष के कार्यकाल में मात्र 49,000 कुछ युवाओं को नौकरी दिया जी। और INLD का जो शासन रहा, INLD के शासन के अंदर उनका जो 1999 से लेकर के 2004 जो कार्यकाल था, उस कार्यकाल के अंदर उन्होंने मात्र 5,000 युवाओं को नौकरी दिया और हमने 2014 से लेकर के 2019 आज तक अगर हम देखें लगातार, क्योंकि जो रिजल्ट्स भी आते रहते हैं और उसके अंदर हर रोज युवाओं को नौकरी लगती रहती है, इस जो हमारा 4.5 वर्ष का कार्यकाल है, इस 4.5 वर्ष के कार्यकाल के अंदर हमारी सरकार ने 56,000 जो 18,500 डी ग्रुप के अभी लगे हैं, 55,000 युवाओं को सरकारी सेक्टर के अंदर अपॉइंटमेंट देने का काम किया और उसके बावजूद हमने रोजगार कार्यालयों के माध्यम से और हमने इंडस्ट्री के माध्यम से जो हमने रोजगार मेले लगाए हैं, उन रोजगार 113 रोजगार मेले पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर लगे हैं और अभी हमने 113 रोजगार मेलों के बाद हमने मेगा रोजगार मेले लगाने शुरू किए हैं जो 3 हरियाणा प्रदेश के अंदर, करनाल के अंदर हमने शुरुआत की उसकी, उसके बाद पलवल में लगा और कल ही 1 और 2 तारीख को नारायणगढ़ के अंदर ये रोजगार मेला लगेगा और उसके माध्यम से हमने लगभग 50-55 हजार युवाओं को नौकरी देने का काम किया है। लगभग हमने 4.5 वर्षों के अंदर 1 लाख से ऊपर नौकरियां देने का काम हमारी सरकार ने किया और उसके बावजूद जो प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक की योजना, ऐसे युवाओं को हमने कि जो अपने हाथ का काम जानता है, स्किल है, निपुण है और अपना काम करना चाहता है परंतु वो अपना काम पैसे के अभाव के अंदर नहीं कर पाता, तो प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना के माध्यम से भी हमने ऐसे युवाओं को वहां से लोन दिलवा करके उनको पैरों पर खड़ा करने का काम किया। आपने पैरों पर खड़ा करने का काम किया है, लेकिन आपने यह भी बताया कि पिछली सरकारों में एक माफिया काम करता था जो तमाम सारी चीजों को, इंडस्ट्री को, और उसको ग्रैब करता था। आपकी सरकार आने के बाद भी जब श्रम और रोजगार मंत्रालय आपके पास में है, ऐसा मंत्रालय माना जाता था श्रम कि ये एक फैक्ट्री लगने के पहले ही लूटने का एक जरिया बन जाता था, लाइसेंस के नाम पे, दूसरे नामों पे और या श्रम के उल्लंघन के नाम पे, तो कहीं ना कहीं वो जो लूट थी वो आपके राज में भी चल रही है? नहीं, ऐसा नहीं है, हमने उस लूट को बंद किया जी। आज इंडस्ट्रियलिस्ट को इस बात की राहत मिली है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हरियाणा प्रदेश जी, जो कांग्रेस के समय के अंदर 2014 से पहले 14वें स्थान पर था पूरे देश के अंदर, 14वें-15वें स्थान पर था जी। और जो आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हरियाणा 3रे नंबर के ऊपर आया है, ये मनोहर लाल जी की जो नीति है, मनोहर लाल जी के जो ईमानदारी से जो कार्य कर रहे हैं। वो कहते हैं हम तो नंबर वन लाए थे, आप तो 3रे नंबर पे ले गए। किस बात की नंबर वन की बात करते हैं? अभी आपने माफिया की बात करी है जी। मैं आपको बताना चाहता हूं कांग्रेस शासन का, INLD के शासन का, कांग्रेस के शासन में, INLD के शासन के अंदर, क्योंकि इनके शासन में कोई फर्क नहीं था जी। कपड़े बदलते थे जी। चेहरे और मन स्थिति वही रहती थी जी। कपड़े बदल जाते थे, हरियाणा प्रदेश की जनता वोट करती थी, वोट करके जब इनेलो की सरकार आती थी तो वो चेहरे बदल जाते थे, उनके कपड़े वही रहते थे, कांग्रेस की आती थी तो चेहरे उनके वही उसी प्रकार के रहते थे, क्योंकि उनका एक ही विजन था, एक ही नीति के ऊपर काम करते थे। और मैं बताना चाहता हूं कि हरियाणा प्रदेश के अंदर मनोहर लाल जी ने जो हमने रोजगार दिया है, पूर्व की सरकारों के अंदर पर्ची भी चलती थी, खर्ची भी चलती थी, पर्ची भी चलती थी, खर्ची भी चलती थी। वक्त हो चुका है ब्रेक का, एक ब्रेक के बाद में आपके और सवालों का जवाब देंगे नायब सैनी जी।
ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। हमारे साथ हरियाणा के रोजगार श्रम मंत्री नायब सैनी जी हैं। सैनी साहब, एक बात आती है जब हर बार कहा जाता है कि स्किल इंडिया, दूसरे तमाम सारी आप योजनाएं गिनाते हैं, बताते हैं, लेकिन स्किल इंडिया के नाम पे आपके विरोधी आरोप लगाते हैं कि सिर्फ लूट हुई है, स्किल का कुछ नहीं हुआ है। दूसरी चीजें वो कहते हैं कि आप जो आंकड़े गिनाते हैं वो पता नहीं कहां से आते हैं। तो क्या है ये, सही में आरोप है या सत्यता है? नहीं, देखिए, पहले तो जो विपक्ष आरोप लगाता है, विपक्ष को तो आज ये समझ में भी नहीं आ रहा कि इतना बड़ा बजट जो मनोहर लाल जी ने और हमारे वित्त मंत्री जी ने जो पेश किया है, ये कैसे किया है। और उनको बताने की भी कोशिश की जाती है, परंतु उन लोगों का जो कार्यकाल रहा उन लोगों के पास विजन नहीं था। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं थोड़ा सा एक, क्योंकि अगर वो इस प्रकार की बात कर रहे हैं तो उनके कार्यकाल के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं, वो आरोप लगाते हैं कांग्रेस के लोग भी, आपने अपने मैनिफेस्टो के अंदर जो बातें कही हैं वो पूरी नहीं। तो मैनिफेस्टो में तो आपने भी अपनी वादे पूरे नहीं किए, ये उनका कहना है। मैं वही बात कह रहा हूँ कि वो लोग ये बात बोलते हैं कि आपने वादे पूरे नहीं किए, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने अपने मैनिफेस्टो के अंदर जो भी बात कही है उस बात को हमने स्ट्रिक्टली पूरा किया, हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमने जो ये बात कही थी कि जो गेस्ट टीचर थे, जो एक खाई खोदने का काम गेस्ट टीचरों के आगे कांग्रेस की सरकार ने किया था, उस खाई को भी बंद करने का काम मनोहर लाल जी ने किया जी। और अभी आप लोगों को सामने है कि विधानसभा के अंदर बिल आया है, हमने किसी भी गेस्ट टीचर को बाहर नहीं जाने दिया, नहीं तो इनकी सरकार के अंदर इनके जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी थे हाई कोर्ट के अंदर एफिडेविट, जी हाँ एफिडेविट दिया था, जी हाँ, अभी भाई इनको 2 महीने के बाद बाहर कर दीजिए, परंतु उनको भी हमने रोकने का काम किया। इन्होंने तो पूरी तरीके से, क्योंकि इन लोगों के पास कोई विजन नहीं था, इनकी कोई लंबी सोच नहीं थी जिससे कि हरियाणा प्रदेश का विकास हो सके। ये तो लोग ये बात सोचते थे कि हमारा विकास हो जाए, हमारे नजदीक के लोगों का विकास हो जाए, हरियाणा प्रदेश की जनता बाढ़ में जाए। परंतु मैं ये बताना चाहता हूं आज आपको अजय जी, क्योंकि 2005 के अंदर कांग्रेस की सरकार आई, कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया, उस मैनिफेस्टो के अंदर 2005 का जो मैनिफेस्टो था, 7 वायदे ऐसे हैं जिनके ऊपर इन्होंने छेड़ा तक भी नहीं, काम तक नहीं किया। मतलब आप पे झूठे आरोप लगाते हैं। मैं ये कह रहा हूं, मैं ये आपको दिखा रहा हूं जी, जी। और 2009 के अंदर फिर कांग्रेस की सरकार हरियाणा प्रदेश की जनता ने चुनी, क्योंकि लगातार इतना झूठ बोला और ये बात विधानसभा के अंदर भी उठी भी, इन्होंने 2008 2012-13 के अंदर इतनी घोषणाएं की कि उन घोषणाओं की जांच होनी चाहिए कि इन्होंने घोषणाएं, क्योंकि लोगों को गुमराह करने के लिए घोषणाएं की। 2009 के अंदर इन्होंने मैनिफेस्टो जारी किया, 2009 के अंदर इनका पूरा का पूरा मैनिफेस्टो इन्होंने छेड़ा नहीं है, 17 इनके ऐसे वायदे थे जिनके ऊपर हाथ तक नहीं लगाया। तो आपको जुमलों की सरकार कहते, जुमलों की तो वो सरकार थी, वो लोगों को गुमराह करते थे, झूठ बोल करके सत्ता के ऊपर काबिज हो जाते थे, ऐसे लोग थे। परंतु आज मनोहर लाल जी की सरकार हरियाणा के अंदर चल रही है, जो कहा है वो किया है, जो कहा है वो किया है, और जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं जी। ये पहली बार है आज हर वर्ग को इसकी बहुत बड़ी राहत आम जन को मिली है, हरियाणा प्रदेश की जनता, देश की जनता, पूर्व की सरकारों के ऊपर उनका विश्वास उठ चुका था और ये बात सोचते थे कि ये लोग आते हैं झूठी बात करते हैं चले जाते हैं। परंतु आज नरेंद्र मोदी जी ने भी देश के अंदर जो मजबूती देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने दी है, हिंदुस्तान का नाम जो विश्व के अंदर चमकाया है, हरियाणा प्रदेश के अंदर मनोहर लाल जी ने सबका साथ सबका विकास लेकर के काम किया है, हरियाणा एक हरियाणवी एक को लेकर के। वो कहते हैं कि आपने 10 रुपए की थाली का एक प्रोविजन किया कि लोगों को हर व्यक्ति का पेट भरा रहे, उसको भूखा न सोना पड़े, आपने प्रोविजन किया और इस प्रोविजन में भी फ्रॉड था, जुमला था, कुछ ऐसा नहीं हुआ है, क्या है? देखिए, हमने तो उन भाइयों को भी कहा है जी कि हमने वो हरियाणा प्रदेश के जी हर व्यक्ति के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जी वो घोषणा की थी कि हम 22 के 22 जिलों के अंदर सब्सिडाइज फूड कंटीन खोलेंगे, कोई भी व्यक्ति हमारे प्रदेश के अंदर भूखा पेट ना सोए, उसकी व्यवस्था सब्सिडाइज भोजन 10 रुपए में भर पेट भोजन। और हमने आज
जो कंटीन्स खोली है, पंचकुला के अंदर चल रही है, यमुनानगर के अंदर चल रही है, अंबाला के अंदर चल रही है और करनाल के अंदर चल रही है और उसके बाद सोनीपत में चल रही है, फरीदाबाद में चल रही है, गुड़गांव में चल रही है, हिसार में चल रही है और जहां जहां पर भी हमें और स्थान मिल रहे हैं उन स्थानों के ऊपर खोलने का काम हमारा विभाग कर रहा है। अभी शीघ्र ही जहां पर भी हमें स्थान अवेलेबल होता है, क्योंकि हम अधिकारियों को बोलते हैं जहां पर भी उच्च स्थान हमें, जहां पर इस प्रकार के व्यक्ति, मतलब हरियाणा में कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोए, इसके लिए ये बहुत ही लोकप्रिय योजना प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की जो दूरगामी सोच है उसको लेकर के अंत्योदय उसकी चर्चा भी विपक्ष ने की। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आज मुझे ये खुशी है इस बात की कि आप लोगों को ऐसे शब्दों का ज्ञान हो गया है, अंत्योदय जैसे शब्दों। दीनदयाल उपाध्याय जी कहते थे, पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जो हमारा एक विचार है और जिस विचार को लेकर के भारतीय जनता पार्टी काम करती है, उनकी सोच थी पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय की कि जो लाइन में खड़ा अंतिम व्यक्ति है उसके लिए हमने काम करना है, उसका उदय करना है, उसका विकास करना है और उसके लिए हमारी सरकार, दोनों की दो सरकारें, केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार उसके अंदर काम कर रही है। प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार उसके लिए काम कर रही है। आपके यहाँ एक और समस्या है कि बाल श्रमिकों को आप नहीं रोक पा रहे हैं, बाल श्रम को नहीं रोक पा रहे हैं, वो आपके यहाँ एक हर जगह दिखाई देता है कि बाल श्रमिक है, उसके लिए क्या नहीं, उसके लिए हमने अलग से एक सेल भी बना रखा है और जहां से भी हमारे पास इस प्रकार की शिकायत आती है उसको तुरंत सख्त कार्रवाई हमारा विभाग भी करता है और उसके अंदर चाइल्ड प्रोटेक्शन जो फोर्स लगी हुई है उसके अंदर वो भी सारे के सारे काम करते हैं। कहते हैं वो तो सिर्फ पैसा कमाने में लगे रहते हैं, ये किसने कहा है? मैं वही बता रहा हूँ, आपके विपक्ष के लोग कहते हैं वो सिर्फ पैसा कमाने। नहीं, देखिए विपक्ष की दुकानदारी बंद हो चुकी है जी, जो उनके दलाल थे उन दलालों को मनोहर लाल जी ने समाप्त कर दिया है। जब वो दलाल समाप्त हुए हैं और उनके आगे के रास्ते भी बंद किए हैं कि आगे भी कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार ना कर सके, उस नीति के ऊपर मनोहर लाल जी काम कर रहे हैं और जब वो कानून बनता है तो कांग्रेस के लोगों को पीड़ा होती है और वो ये बात बोलते हैं कि हमारे रास्ते बंद हो गए हैं और उनका उसको लेकर के वो आपके पास में खनन विभाग भी है जी जी, और खनन विभाग पे आरोप लगता है, हुड्डा साहब ने हमारे इंटरव्यू में ही कहा था कि ये ऐसी सरकार है जो दाल भी खा रही है, चीनी भी खा रही है, रेत भी खा रही है, सब कुछ खा रही है और आपके यहाँ खनन माफिया इस समय इतना सक्रिय है और वह संघ से जुड़ा है। देखिए मैं ये बताना चाहता हूँ, पिछले दिनों कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष तंवर जी चंडीगढ़ के अंदर आए थे और उन्होंने यहाँ प्रेस सीसी के नाम के ऊपर की थी जी। मैंने फिर जब प्रेस के अंदर कहा था अभी मखा ये नींद से उठ करके आए हैं, शायद इनको नहीं मालूम होगा भी मैंने क्या बोलना क्या नहीं बोलना, आकर के वो बोलकर चले गए जी। परंतु उन्होंने अपने कार्यकाल नहीं देखा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो 10 वर्ष तक प्रदेश के मुखिया रहे जी। मुख्यमंत्री रहे जी। उनके नीचे क्या चलता था उसने क्यों आंखें बंद कर रखी थी और उसका आंकड़ा मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, क्यों मैंने जो बताया था 2004, 2005 कांग्रेस की सरकार आई जी। इस कार्यकाल के अंदर हरियाणा प्रदेश को 92 लाख रुपए का रेवेन्यू मिला जी। 2005 में जी। 2006 जी। 1,153.54 आज कितना मिला मैं बता रहा हूँ जी। मैं आंकड़ों से ही बता रहा हूँ जी। और 2006-07 136.26 जी। 2005-06 में तो 153.34 2006-07 के अंदर 136.26 ये कम क्यों हुआ? ये किसकी जेब में पैसा जाता था? इसने ध्यान क्यों नहीं किया जी। ये क्या जो माफिया इन लोगों ने खड़े किए थे उनकी जेब में जाता था जी। या इन लोगों की जेब में आता था जी। ये बताएं हरियाणा प्रदेश की जनता को। दूसरा 2007-08 215.71 और 9-10 के अंदर 8-9 के अंदर 195.40 फिर डाउन आ गया जी। ये क्यों रेवेन्यू प्राप्त नहीं हुआ जी। और उसके बावजूद
9-10 के अंदर जी, फिर 248.66 और 2010-11 के अंदर ये महत्तर 75.95 जी, तो ये किसकी जेब में जाता था, क्यों कम हुआ ये, और फिर 2011-12 जी ये 87.39 जी और 12-13 75.20 लगातार कम होता है, और फिर 2013-14 81.52 जी और फिर 14-15 जी, क्योंकि 14 के अंदर हमारी सरकार आई जी, हमारी सरकार के अंदर ये 43.89 और उसके बावजूद 15-16 246 करोड़ रुपए आज 10 लाख, मैं अब बता रहा हूँ ईयर वाइज बता रहा हूँ मैं, फिर 2016-17 ये 494 करोड़ 16 लाख रुपए हो गया, बढ़ गया, डबल हो गया उसका, फिर 2017-18 ये 712 करोड़ 87 लाख रुपए हो गया जी, और 4 साल के अंदर इनका 11 साल के अंदर जो इन्होंने रेवेन्यू इकट्ठा किया इसके माध्यम से जी, वो 1,405 करोड़ 36 लाख रुपया, और हमने 4.5 वर्षों के अंदर, 4 वर्षों का है ये मेरे पास जी, इन 4 वर्षों के अंदर हमने 1,806 करोड़ रुपया 48 लाख रुपया, आंकड़े ही सब कुछ बयां करते हैं जी जी। इसके बाद में अब आते हैं कि आपकी पार्टी को कहा जाता है शहरी पार्टी है, आप अब आने वाला विधानसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, तो ऐसी स्थिति में आप शहरी पार्टी कहलाते हैं, आपका एक आधार नहीं होता था, इस बार कहते हैं मोदी की लहर में आप जीत गए थे, अब क्या करेंगे? नहीं देखिए, ये बिल्कुल बात ठीक है जी। उनका ये भी कहना है किसान भी परेशान है, दूसरे भी परेशान है, स्वास्थ्य व्यवस्था तो बिल्कुल चौपट है, दूसरी चीजें भी कहना। नहीं देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ना तो किसान परेशान है जी, ना ही मजदूर परेशान है जी, ना व्यापारी परेशान है जी, ना कर्मचारी परेशान है जी, परेशान तो विपक्ष है जी, परेशान तो कांग्रेस है जी, परेशान तो INLD है जी, और कोई परेशान नहीं है जी, ये लोग परेशान है, हरियाणा की जनता बिल्कुल खुश है जी। इन्होंने कहा कि हम 24 घंटे बिजली देंगे, इसके नाम के ऊपर वोट लेते थे, परंतु ये कोई भी सरकार रही 52 वर्ष के अंदर हरियाणा में नहीं दे पाए। मनोहर लाल जी ने योजना बनाई हमारा गांव जगमग गांव योजना, और उसके माध्यम से 24 घंटे बिजली देने का काम आज 2800 गांव के अंदर कि जहां पर सिस्टम को ठीक किया जी, कहीं पोल लगाया, कहीं ट्रांसफार्मर लगाया, कहीं तार बदली, जहां जहां पर भी सिस्टम ठीक होता जा रहा वहां पर 24 घंटे बिजली देने का काम हमारी सरकार कर रही है, 24 घंटे बिजली दे रहे। पूर्व की सरकारों में बिजली कम आती थी, बिजली के बिल बढ़ करके आते थे, परंतु हमारी सरकार के अंदर शहरी पार्टी गांव में पहुंची। हाँ मैं बता रहा हूँ, बिजली 24 घंटे देने का काम कर रहे, बिजली के भाव पहली बार मनोहर लाल जी ने 50% कम किए, और ये बात कही अगर किसी के ऊपर कोई भारी भरकम वजन हो गया, किसी कारणवश बिल नहीं भर पाया, उसके अंदर एक योजना बना करके आप सैनी बिरादरी से आते हैं, राजकुमार सैनी कहते हैं, सैनी तो सब हमारे साथ में है, आपकी पार्टी में क्या है? देखिए उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता जी, वो तो ये बोलता है कि पूरा का पूरा प्रदेश मेरी जेब में है जी, और जिस प्रकार का उसका प्रदेश के अंदर व्यवहार रहा है जी, उसके अंदर राजकुमार सैनी जिम्मेवार है जी, उसके अंदर कांग्रेस पार्टी जिम्मेवार है जी, उसके अंदर INLO जिम्मेवार है जी, उसके अंदर यशपाल मलिक जिम्मेवार है जी, इन लोगों ने एक झुंडली थी जी, इन लोगों की जेब में वोट नहीं है जी, हरियाणा प्रदेश की जनता ने इनको नकार दिया है जी, राजकुमार सैनी की तो मैं आपको बात बताता हूं जी, नारायणगढ़ से विधायक बने जी, मंत्री बने जी, विधायक बन गया, मंत्री बन गया, सरकार के अंदर जनता के बीच में जाकर के बोलता है कि मेरी कोई मानता नहीं, नरेंद्र मोदी के साथ सांसद बना कुरुक्षेत्र से जी, अरे वहां के कुरुक्षेत्र के लिए आप एक योजना बना करके उसका विकास कराइए, आप वहां के काम लेकर के नरेंद्र मोदी जी के पास जाइए, नरेंद्र मोदी जी का एक बहुत बड़ा विजन है जी, कुरुक्षेत्र की धरा जिसके ऊपर भगवान श्री कृष्ण ने सर्व मानव जाति के लिए एक संदेश दिया, विकास का संदेश दिया, अरे एक योजना बना करके उसने वहां से काम कराने चाहिए थे। खत्री साहब ने किया है उसके लिए? नहीं, वो सरकार करती है, सरकार ने किया है उसके लिए, नहीं सरकार ने किया है, परंतु इसने लोकसभा के अंदर जो मैं कह रहा हूं
पहले ये विधानसभा के अंदर मंत्री यहां पर रहा और लोगों को गुमराह करता था कि मेरी कोई मानता नहीं, किस लिए विधायक बना, किस लिए मंत्री बना अगर कोई आपकी मानता नहीं, अब सांसद बना, अब फिर यही बात बोलता है। अरे तू जनता के काम करा, क्षेत्र के काम करा, तू इस प्रकार की भाषा बोलता है कि मेरी कोई मानता नहीं। इसका कोई विजन नहीं है, इसका कोई आधार नहीं है, वजूद नहीं है, लोगों को गुमराह करता है, इस प्रकार से लोगों को लड़ाने का काम करता है। कि ये आप जो बात बता रहे हैं कि सारा सैनी बरादरी मेरे पास है, वो की जेब में थोड़ी पड़ रहा है सारी सैनी बरादरी, हम भी जानते हैं, मैं भी हरियाणा प्रदेश के अंदर देखता हूं, अभी जींद के अंदर सैनी बरादरी ने वोट दिया, ऐसा नहीं है, 36 बरादरी, भारतीय जनता पार्टी 36 बरादरी की पार्टी है, जाट समाज ने वोट दिया भारतीय जनता पार्टी को जींद के अंदर, सैनी बरादरी हर वर्ग ने वोट दिया, और जो मनोहर लाल जी की नीतियां थी उन नीतियों के ऊपर हरियाणा प्रदेश की जनता ने पहले 18 विधानसभा क्षेत्र टच हुए, जो 5 नगर निगम के चुनाव थे, एक जींद का उपचुनाव था, 19 विधानसभा क्षेत्रों के अंदर जो हमारा ये फोर्थ ईयर चला है, फोर्थ ईयर के अंदर हरियाणा प्रदेश की जनता ने मनोहर लाल जी की नीतियों के ऊपर मुहर लगाई है, 5 के 5 नगर निगम के अंदर भारतीय जनता पार्टी के मेयर चुने हैं, और जींद का उपचुनाव भारी बहुमत से जिता करके वो मनोहर लाल जी के पास, मनोहर लाल की सरकार को जनता ने मुहर लगाई है, ऐसा कहना है नायब सिंह सैनी का। सैनी साहब धन्यवाद हमारे साथ, सैनी साहब आपके सवालों का जवाब दे रहे थे। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे एक और शख्सियत के साथ में, कुछ और सवालों के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।